करीब 6 महीने पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि भाई अब यूएस के कुछ स्टॉक्स को हम इंडिया में रहकर खरीद भी सकते हैं और उनमें ट्रेड भी कर सकते हैं। और अब इससे रिलेटेड एक और अपडेट आती हुई नजर आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी अपडेट के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिये, एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस 26 फरवरी 2022 यानी हाल फिलहाल में ही पब्लिश किया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल अगर हम इसको करेंगे तो सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट ऑन यूएस स्टॉक्स परमिटेड टू ट्रेड एंड एडमिटेड टू डीलिंग ऑन द एक्सचेंज, यानी कि एनएससी आईएफएससी जो एक्सचेंज है उसके पास यूएस के उन स्टॉक्स की लिस्ट अवेलेबल हो गई है जो कि यहां पर लिस्ट होने वाले हैं, और लिस्ट होने के बाद आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं और इसको लंबी अवधि के लिए खरीद भी सकते हैं। उससे रिलेटेड डिटेल्स में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। अब आपको बता दूं कि यहां पर आईएफएससी जो है, ये एनएससी आईएफएससी एक एक्सचेंज है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड है और यहां पर ये जो स्टॉक्स हैं वो यहां पर लिस्ट होने वाले हैं। टोटल जो स्टॉक्स हैं वो 50 स्टॉक्स हैं जो कि धीरे धीरे करके यहां पर लिस्ट होंगे। अभी अगर देखा जाए तो टोटल 8 स्टॉक ऐसे हैं जो कि यहां पर लिस्ट होने वाले हैं, जो कि इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। और ये जो ट्रेड होना स्टार्ट होंगे वो कल यानी 3 फरवरी 2022 से ही हो जाएंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है कि कल यानी 3 मार्च से ही स्टॉक इन इस एक्सचेंज पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टॉक्स की लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, यहां पर आप देख सकते हैं सेक्टर जो 2 में दी गए हैं वो लिस्ट यहां पर होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो बाकी के स्टॉक बचेंगे 50 में से जो 8 तो अभी हो जाएंगे, उसके बाद 42 जो बचेंगे धीरे धीरे उनके लिए भी सर्कुलर जारी होगा और वो भी धीरे धीरे करके मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। अब देखिए, 50 स्टॉक की लिस्ट सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो यहां पर लिस्ट होने वाले हैं। देखिए, गूगल से लेकर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि फेसबुक गूगल या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनीज यहां पर बताई गई हैं कि कौन कौन सी लिस्ट होंगी। 31 ये हैं और बाकी की ये यहां पर दिए गए हैं, तो टोटल 50 कंपनियां हैं जो कि यहां पर लिस्ट होने वाली हैं एनएससी आईएफएससी पर। अब आपको बता दूंगी जो 3 मार्च से ट्रेड करेंगे वो कौन कौन से स्टॉक हैं। तो देखिए, यहां पर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहां पर आप देख सकते हैं ये 8 स्टॉक ऐसे हैं जो कि यहां पर कल से यानी 3 मार्च से ही ये स्टॉक ट्रेड होना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं गूगल भी है, अमेजन भी है, टेस्ला भी है, ऐप भी यानी फेसबुक भी है, और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट भी है, नेटफ्लिक्स भी है, तो देखिए यहां पर एप्पल भी है और वॉलमार्ट भी है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं और इनके नाम मुझे लगता है सभी कंपनीज के नाम आपने जरूर सुने होंगे, ये इंडियन मार्केट में लिस्ट होती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये कहां से खरीदना है, कैसे इनमें ट्रेड करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, अभी केवल यही इंफॉर्मेशन है कि ये जो है 8 कंपनी मार्केट में लिस्ट होने वाली है एनएससी आईएफएससी पर, और इनको आप खरीद भी सकते हैं और इनमें ट्रेड भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।